अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, बड़े मज़े में होंगे। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लाई हूँ, आज हम फिर फ्राइड फिश बनाएंगे, जो कि बहुत ही यमी और टेस्टी सी बनती है। और ये भी लाहौरी फ्राइड फिश की एक जो है ना, एक वैरायटी है। तो चलें मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि हमने इसमें क्या लिया है। मैंने जो फिश है, फिश मैंने जो है ना, बड़े बड़ी फिश मैंने वो ले ली है। और ये देखें, इसको पीस हमने पतले पीसेस में कटवा लिए। और इसको बहुत अच्छा सा मैंने जो नमक और सिरका लगा के ना, पहले इसको नमक और अजवाइन लगा के इसको बहुत अच्छा सा धो लिया है। और फिर इसके बाद फिर हमने मैंने इसको नमक और सिरके वाले पानी से इसको दो तीन पानी से धो के, और उसको मैंने छन्नी में अच्छी तरह रख दिया था। ये खुश्क हो गई है और ये तकरीबन जो है ना 1.5 किलो से ज़्यादा है ये फिश। और इसमें जो है, मैं आपको इसके स्पाइस बताती हूँ। स्पाइस में मैंने लिया है इसमें, ये देखें नमक, इसमें इस पर टेस्ट जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। और इसमें ज़ीरा मैंने ले लिए, ज़ीरा जो है तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का लिया है। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ले लिए। और मैंने इसमें जो कूटा हुआ धनिया है वो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए, साबुत कूटा हुआ धनिया, और इसको हमने थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। और इसमें मैंने अजवाइन मैंने 1 टीस्पून ले लिए। और इसमें जाएगी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी मैंने 1.5 टीस्पून से आप टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। और इसमें ऑरेंज कलर चला जाएगा, ऑरेंज कलर हम 2 चुटकी यूज़ करेंगे। और इसमें जाएगा लेमन का जूस, लेमन का जूस मैंने जो है ना, मैंने 6-7 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया है। और इसमें जाएगा अदरक, अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट मैंने इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून तक चला जाएगा। और इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, हम जल्दी से जो है ना अपनी फ़िश को जो है इसको हम रेडी करते हैं। अपना पॉट जो है मैंने ले लिया है, और अब हम जो है इसमें डालेंगे, सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसमें चला जाएगा लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट जो है ना ये भी 1.5 टेबल स्पून जाएगा, ये थोड़ा है। और थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगा, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का हो गया और 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट हो गया। और इसमें चला जाएगा ज़ीरा, और इसमें चला जाएगा कुटा हुआ धनिया, और इसमें चला जाएगा हल्दी, और इसमें चला जाएगी अजवाइन, और इसमें चली जाएगी कसूरी मेथी, और इसमें चला जाएगा लेमन जूस, जो कि 7-8 लेमन का जूस आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही यम्मी सा आता है। और इसमें जाएगा नमक, नमक तकरीबन इसमें 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून इसमें नमक और डाल दीजिए। और इसमें जाएगा ऑरेंज कलर, नहीं काफ़ी, फिर बनिए 2 पीच नमक जो है इसमें चलाएंगे। हम इसको जो है अच्छा सा जो हमने इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें जाएगी कुटी हुई रेड मिर्च जो है वो जाएगी, और इसमें चली गई 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई रेड चिली डाल दी। अब हम जो है ना इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। जी बस, तो देखें मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, और इसको हम अच्छा सा जो है ना मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना पानी मैंने इसी कहीं जो हल्दी और लहसुन का जो था ना, ये हमारी फ़िश जो है ना, ये माशेर फिश है, मैंने बड़े वाला माशेर होता है ना जो, वो वाली फ़िश है ये, इसको हम इसमें डालेंगे और सारा इसको मसाले से लपेट लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही टेस्टी बनती है ये लाहौरी फिश जो है ना, कई मुख्तलिफ जो है ना वैराइटीज़ में बनाई जाती है। कुछ इसमें कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं, कुछ बेसन भी डालते हैं, और कुछ जो है बग़ैर बेसन के भी बनाई जाती है। तो आज हम इसको बिल्कुल जो है ना बग़ैर बेसन के जो है उससे बनाएंगे। तकरीबन मैं आपसे 10 से 12 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी
और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी जो फ़िश है ना, मशेर फिश जो हमने के मसाला लगा के इसको मैंने छोड़ दिया था, और तकरीबन इसको जो है ना 8-10 घंटे इसको हो गए हैं, और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ढक के। और चलें अब हम इसको जो है फ्राई करते हैं, बहुत अच्छा सा जो है गर्म हो गया। और अब हम इसमें जो है ना हमारी फ़िश जो मसाला फ्राइड फिश है ना, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी है, इसको हम इसमें डालते हैं। तो इसको मैं इसमें डालती हूँ। जितने पीस इसमें आसानी से आते हैं उतने आप डालने से, नहीं ज़्यादा आपको नहीं भरना। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी जो फिश है ना बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये फ्राई हो गई, और मैं इसको निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें हमारी फ़िश जो है ना फ्राइड फिश बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसको मैंने चटनी के साथ रखा है। आप इसको जिसके साथ भी आपका दिल करें आप इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे खाएंगे और बनाएंगे तो तब आपको मालूम होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसके साथ ही व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलती रहे, और मज़े मज़े की रेसिपी से आप इंजॉय करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।